हिसार के पोस्ट ऑफिस के सामने ऑल इंडिया पोस्टल एसोसिएशन के कर्मचारियों का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने परिताज चौक से लेकर बस अड्डे तक प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने चेतावनी देते कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो उनका धरना ऐसे ही जारी रहेगा। एसोसिएशन के सर्कल सचिव सुनील कुमार ने बताया कि DGS कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है। इस हड़ताल के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में डाक व्यवस्था पूर्ण तरह से बाधित पड़ी है। ये प्रदर्शन हमारी पे कमीशन की मांग के लिए लगातार 9वें दिन चल रहा है ग्रामीण डाक सेवकों का। सेंट्रल सरकार ने हमारे साथ भेदभाव किया, बाकी सभी कर्मचारियों को सारे वेतन और लाभ दे दिए गए और हमारी एक आदमी की कमेटी गठित की जिसने अपनी रिपोर्ट तय समय सीमा से पहले दे दी। लेकिन ये जो भाजपा सरकार है, तानाशाही सरकार, जो एक सिर्फ एकल आदमी से चलती है मोदी साहब से, वो सोई गुंगुई सरकार ने 18 महीने बाद भी हमारी रिपोर्ट को कभी वित्त मंत्रालय कभी कहीं घुमा के हमें परेशान कर दिया। हमारे बच्चे बिल्कुल भूखे कगार पर हैं। हम चाहते हैं कि ये रिपोर्ट जल्दी से जल्दी कैबिनेट में पास हो और हमें इसका लाभ मिले। देखिए, ये सरकार ना माने तो अनिश्चितकालीन हड़ताल तो हमारी जारी रहेगी। आज न्यूज के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।